class. Today I'm going to teach you your English reader next chapter, chapter number 6, Sir Isaac Newton. Name of the chapter is Sir Isaac Newton. ठीक है, ये एक person का name है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Why do you think things fall down instead of going up? आप क्या क्यों सोचते हो कि चीज़ें जो है नीचे ही गिरती हैं, हम कुछ भी चीज़ गिराते हैं तो ज़मीन पे ही क्यों गिरती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं उछलती. फाइंड आउट हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ढूंढो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोज करी थी. डू यू नो व्हाट दिस फोर्स इज, क्या आप इस फोर्स के बारे में जानते हैं. वेयर डज दिस फोर्स एग्जिस्ट, ये फोर्स कहाँ पर लगता है. ठीक है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस के दिन, इन द ईयर 1642 में इसेक न्यूटन वॉज बॉर्न एट स्मॉल विलेज ऑफ फूल्स थ्रो इन इंग्लैंड. इसेक न्यूटन जो थे पैदा हुए थे एक छोटे से गांव में जिसका नाम था फूल्स थ्रो, वो कहाँ पे था, इंग्लैंड में था. ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज ओल्ड ग्रैंड मदर हु वॉज वेरी काइंड टू हिम एंड सेंट हिम टू स्कूल. ठीक है, उनका देखभाल कौन करती थी, उनकी दादी करती थी. हु वॉज वेरी काइंड टू हिम एंड सेंट हिम टू स्कूल, जो उनके प्रति बहुत दया दिखाती थी और उन्हें स्कूल भेजा करती थी. इन हिज अर्ली ईयर्स इसेक डिड नॉट अपीयर टू बी अ वेरी ब्राइट स्कॉलर, अपने कुछ सालों में इसेक जो थे डिड नॉट अपीयर टू बी अ वेरी ब्राइट स्कॉलर, मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं करी थी. बट वॉज चीफली रिमार्केबल फॉर हिज इनजेन्युइटी, इनजेन्युइटी मतलब क्लेवरनेस होता है, मतलब अपनी चतुराई दिखाना. इन ऑल मैकेनिकल ऑक्यूपेशंस, मतलब वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, मैकेनिकल चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे. ही हैड अ सेट ऑफ लिटिल टूल्स एंड सॉज ऑफ वेरियस साइजेस मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमसेल्फ, उनके पास खुद के छोटे छोटे औजार थे. ठीक है, जो उन्होंने खुद ने ही बनाए थे, मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमसेल्फ मतलब खुद के द्वारा बनाए गए. इसे पोजेस्ड अ वंडरफुल फैकल्टी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय द सिंपलेस्ट मींस, उनके पास बहुत अच्छी सी नॉलेज थी, बहुत अच्छा ज्ञान था, सिंपल सिंपल तरीके से वो चीज़ों को खोजते थे. फॉर इंस्टांस व्हाट मेथड डू यू सपोज ही टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द वाइन. ठीक है, सबसे पहले व्हाट मेथड डू यू सपोज टू ही टू टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वाइन, सबसे पहले उन्होंने हवा की स्ट्रेंथ को मापा. यू विल नेवर गेस हाउ द बॉय कुड कंपेल दैट अनसीन कॉन्स्टेंट और अनगवर्नेबल वंडर द वाइन. अनगवर्नेबल होता है अनकंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं कभी देख सकते. द बॉय एक लड़का अपने आप को बिना देखा हुआ इनकंस्टेंट और अनगवर्नेबल मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता. द वाइंड को मतलब हम हवा में चल रहे हैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते. टू टेल हिम द मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, हम अपने आप को इस सब को नहीं माप सकते हैं, हवा को नहीं माप सकते. येट नथिंग कैन बी मोर सिंपल, इसके अलावा कुछ और सिंपल नहीं था. ही जम्प्ड अगेंस्ट द वाइंड, वो हवा में कूदे एंड बाय द लेंथ ऑफ हिज जम्प ही कुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ए जेंटल ब्रीज, और उन्होंने क्या करा, हल्की सी जो हवा बह रही थी उसको कैलकुलेट किया, नापा. अ ब्रिस्क गेल और अ टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग तूफान, और उन्होंने उसका हवा की ओर उस सबको नापा. दस इवन इन हिज बॉयश स्पोर्ट्स ही वॉज कॉन्टिन्यूअली सर्चिंग आउट द सीक्रेट्स ऑफ फिलोसफी, जब वो छोटे थे स्पोर्ट्स में ही वॉज कॉन्टिन्यूअली सर्चिंग, वो खोजा करते थे सीक्रेट्स ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की खोज किया करते थे, उसके रहस्य को देखते थे. नॉट फार फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर्स रेजिडेंस, अपनी उस दादी के घर से बहुत दूर नहीं थे. देयर वॉज अ वाइंड मिल विच ऑपरेटेड ऑन अ न्यू प्लान, एक वाइंड मिल थी और उस पर एक नया प्लान ऑपरेट कर रहे थे. इसेक वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग देयर फ्रीक्वेंटली, उनको वहाँ पे आदत बन गई थी वहाँ पे जाने की, कहाँ पे, वाइंड मिल पे. एंड वुड स्पेंड आवर्स एग्जामिनिंग इट्स वेरियस पार्ट्स, और उसके अलग अलग पार्ट्स जो थे उनको देखा करते थे, किसके, वाइंड मिल के तरह तरह के जो पार्ट्स थे उस पर घंटों टाइम अपना बिताते थे उनको देख देख के. वाइल द मिल वॉज एट रेस्ट ही प्राइड इन टू इट्स इंटरनल मशीनरी, और उसको अंदर की उसकी मशीनरी को भी अच्छे से देखा करते थे. व्हेन इट्स ब्रॉड सेल्स वर सेट इन मोशन बाय द वाइंड ही वॉच द प्रोसेस बाय विच द मिल स्टोन्स वर मेड
to revolve and crush the grain that was put into the hopper. Millstone भी जो थी उसके अंदर जो हम grains वगैरह सब डालते थे वो सब उसको देखा करते थे कि वो crush कैसे कर देते हैं उसको. After gaining a thorough knowledge of its construction, he was observed to be unusually busy with his tools. उसको नॉलेज लेने के बाद मतलब उन सबको देखने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन देखने के बाद कि कैसे ये चीज़ बनी फिर वो अपने औजारों में खो जाया करते थे बिजी हो जाया करते थे. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर हिज ग्रैंड मदर एंड ऑल द नेबरहुड न्यू व्हाट इसेक हैड बीन अबाउट. ये बहुत लंबा टाइम नहीं था उनकी दादी और उनके पड़ोसी जानते थे व्हाट इसेक हैड बीन अबाउट कि इसे किसके बारे में जाना करते थे. ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ द वाइंड मिल. उन्होंने क्या बनाया है वाइंड मिल का मॉडल बनाया है. दो नॉट सो लार्ज बहुत बड़ा नहीं था येट एवरी पार्ट ऑफ द मिल एंड इट्स मशीनरी वॉज कम्प्लीट. उसका हर पार्ट और उसकी मशीनरी जो थी कम्प्लीट थी. इट्स लिटिल सेल्स वर नीटली मेड ऑफ लिनन. उसके छोटे छोटे जो औजार थे वो किससे बने थे लिनन से बने थे. एंड वेल्ड होता है मूव्ड राउंड रैपिडली और उसके पार्ट्स बहुत तेज़ी से घूमते थे. रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से घूमना. एवरी स्विफ्टली व्हेन ही द मिल वॉज प्लेस्ड इन अ ड्रॉट ऑफ एयर. जब उसको हवा में रखते थे तो उसके पार्ट्स जो है बहुत तेज़ी से घूमते थे. इवन ए पफ ऑफ वाइंड फ्रॉम इसेक्स माउथ और फ्रॉम अ पेयर ऑफ बेलोज वॉज सफिशियंट टू सेट द सेल्स इन मोशन. जब हवा का प्रेशर पड़ता था ठीक है हवा का प्रेशर था तो वो हवा में मोशन मतलब अपनी मोशन दिखाते थे. क्या दिखाते थे उसके जो पार्ट थे जो उन्होंने बनाया था एक छोटा सा वाइंड मिल उसके पार्ट जो थे वो हवा में रखने पर बहुत तेज़ी से अपना काम करते थे. एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस और सबसे ज़्यादा क्यूरियस क्या था. इफ़ अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स ऑफ वीट वर पुट इनटू द लिटिल होपर अगर थोड़े से ही मुट्ठी भर अनाज उसमें थोड़े से डाले जाएँ दे वुड सून बी कन्वर्टेड इनटू स्नो वाइट तुरंत ही बहुत जल्दी किस में बदल देता था उनको आटे में बदल देता था. इसेक्स प्लेमेट्स वर एनचेंटेड विद हिज न्यू वाइंड मिल. इसेक जो थे उनके प्लेमेट्स उनके साथ जो खेलने वाले थे एनचेंटेड विद हिज न्यू वाइंड मिल. उनको वो बहुत पसंद आया और जो वाइंड मिल बनाया था दे थॉट दैट नथिंग सो प्रेटी एंड सो वंडरफुल हैड एवर बीन सीन इन द होल वर्ल्ड. इससे ज़्यादा सुंदर और इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक कोई चीज़ नहीं देखी होगी उन्होंने पूरे संसार में ठीक है. ओके क्लास बट इसेक सैड वन ऑफ दैम. लेकिन इसेक ने उनमें से बोला यू हैव फॉरगॉटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू अ मिल. आप एक चीज़ भूल गए हैं जो मिल को बिलोंग्स करती है मतलब जो मिल से रिलेटेड है आप एक चीज़ भूल गए हैं. व्हाट इज़ दैट वो क्या है. आस्क इसेक ऐसे इसेक ने पूछा. फॉर ही सपोज दैट फ्रॉम द रूफ ऑफ द मिल टू इट्स फाउंडेशन ही हैड फॉरगॉटन नथिंग. उसने ऊपर से पूरा नीचे तक उसको देखा जहाँ से जैसे जैसे उसने बनाया है ही हैड फॉरगॉटन नथिंग. वो कुछ नहीं भूला था. वाई वेयर इज द मिलर क्यों मिलर कहाँ है. सैड हिज फ्रेंड उसके दोस्त ने कहा दैट इज़ ट्रू हाँ ये ठीक है. आई मस्ट लुक आउट फॉर मी मुझे अपने आप के लिए देखना चाहिए. सैड इसेक ऐसे इसेक ने पूछा ऐसे इसेक ने बोला. एंड ही सेट हिमसेल्फ टू कंसिडर हाउ द डेफिशिएंसी शुड बी सप्लाइड. एंड ही सेट हिमसेल्फ और उसने अपने आप से उसको सेट किया टू कंसिडर हाउ द डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मतलब कमी आ जाना किसी चीज़ की कमी को जो कैसे सप्लाई करना चाहिए भेजना चाहिए. ही माइट ईजिली हैव मेड द मिनिएचर फिगर ऑफ अ मैन. ही माइट ईजिली उन्होंने एक बनाना चाहिए मिनिएचर मतलब होता है कोई छोटी चीज़ फिगर ऑफ अ मैन एक आदमी की छोटी सी फिगर बनानी चाहिए. बट देन इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव अबाउट एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ मिलर. और उन्हें उसको वो उस जो बनाएंगे एक छोटा सा फिगर बनाएंगे वो उस काम को करने के एबल होना चाहिए काबिल होना चाहिए उस मिलर पे काम करने के लायक होना चाहिए. इट सो हैपन्ड हाउएवर ये इसलिए हुआ हाउएवर दैट ए माउस हैड जस्ट बीन कॉट इन द ट्रैप एज नो अदर मिलर कुड बी फाउंड. फिर वहाँ पे क्या मिला एक छोटा सा माउस मिला. इट्स
मिस्टर माउस वॉज अपॉइंटेड टू दैट इंपॉर्टेंट ऑफिस. उसके लिए क्या करा गया है, एक मिस्टर माउस को अपॉइंट किया गया उस काम के लिए. कौन से काम के लिए, जो उन्होंने मिल बनाई थी उसके लिए मिस्टर माउस को अपॉइंट किया गया था. द न्यू मिलर मेड अ वेरी रेस्पेक्टेबल अपीयरेंस इन हिज डार्क ग्रे कोट. माउस जो आए थे वो कैसे आए थे, अपीयरेंस जो थी उनकी डार्क ग्रे कलर के कोट में आए थे. टू बी श्योर ही हैड नॉट अ वेरी गुड कैरेक्टर फॉर ऑनेस्टी. वो पूरे श्योर थे कि उनकी हैड नॉट अ वेरी गुड कैरेक्टर, वो बिल्कुल पूरा उनका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ईमानदार नहीं होंगे. एंड वॉज सस्पेक्टेड फॉर सम टाइम्स स्टीलिंग अ पोर्शन ऑफ द ग्रेन विच वॉज गिवन हिम टू अ ग्राइंड. जैसे उसमें गेहूँ डालेंगे, जैसे उसमें गेहूँ डालेंगे तो उससे थोड़ा थोड़ा पोर्शन चुरा लेगा. कौन, माउस. एज इसेक ग्रू ओल्डर, जैसे इसेक थोड़े और बूढ़े हुए, इट वॉज फाउंड दैट ही हैड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट मैटर्स इन हिज माइंड दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज लाइक द लिटिल वाइंड मिल. जैसे जैसे वो थोड़े बूढ़े हुए, इट वॉज फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था. उनके दिमाग में अब एक बात आई, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज लाइक द लिटिल वाइंड मिल. उसके मैन्युफैक्चर टॉयज की तरह बनाने चाहिए छोटी छोटी वाइंड मिल. ऑल डे लॉन्ग इफ लेफ्ट टू हिमसेल्फ ही वॉज आइदर एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड होना है, होता है खो देना, इन थॉट और एंगेज्ड इन सम बुक ऑफ मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी. फिर उन्होंने क्या करा, कुछ खोया, कुछ उन्होंने सोचा और कुछ बनाया, सम बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी. मैथमेटिक्स की बुक्स और फिलॉसफी की बुक्स से रिलेटेड उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बनाई. न्यूटन लिव्ड टू बी वेरी ओल्ड मैन. वो कैसे रहे थे, बहुत थोड़े बूढ़े हुए. एंड एक्वायर्ड ग्रेट रीनोन. रीनोन होता है कोई बहुत ज़्यादा फेमस जो चीज़ हो जाती है. जैसे जैसे वो बूढ़े हुए उन्होंने क्या बहुत पाया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा वो फेमस हुए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा उन्हें यश मिला. एंड वॉज मेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और क्या बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे. एंड रिसीव द ऑनर्स ऑफ नाइटहुड फ्रॉम द किंग. और उनको सम्मानित किया गया था राजा की तरह. बट ही केयर्ड लिटिल फॉर अर्थली फेम एंड ऑनर्स. और उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला था, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था. एंड फेल्ट नो प्राइड इन द वास्टनेस ऑफ हिज नॉलेज. और उनको इस जैसे जैसे उनको प्राइज दिया गया, उनको सम्मानित किया गया, उसके ऊपर उन्हें कोई भी प्राउड फील नहीं हुआ था, कोई भी उन्हें घमंड वगैरह कुछ नहीं हुआ था. ठीक है. ऑल दैट ही हैड लर्न्ड ओनली मेड हिम फील हाउ लिटिल ही न्यू इन कंपैरिजन टू व्हाट रिमेन टू बी नोन. और वो जानते थे कि उन्होंने कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों से एक सब काम किए और वो कैसे कैसे इतने बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. ठीक है, ये था आपका बेटा चैप्टर सर इसेक न्यूटन. ठीक है, इसमें किसके बारे में था, हमने वाइंड मिल के बारे में पढ़ा था, जो उन्होंने एक वाइंड मिल बनाई थी, ये कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे उसको उस पर किसको अपॉइंट किया गया था, उसमें गेहूँ डालेंगे तो हम कैसे चलेगा, मतलब हम सब ने इस चैप्टर में हमने वाइंड मिल के बारे में पढ़ा था. अब आपको करना है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड इसके वर्ड मीनिंग्स को करना है. एंड पेज नंबर 66 पे इसमें कंजंक्शन दिया हुआ है. कंजंक्शन होता है दो वर्ड्स को जो ज्वाइन करने का काम होता है, जैसे एंड, बट और, इफ, बिकॉज, सिंस, अनलेस. वो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो आपको करके मुझे सेंड करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में बताती हूँ, नाइदर रूपा डैश दीपा लाइक्स वॉचिंग हॉरर मूवीज. नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, आइदर के साथ हमेशा और आता है. नाइदर रूपा नॉर दीपा लाइक्स वॉचिंग हॉरर मूवीज. ना तो रूपा को ना दीपा को हॉरर मूवीज देखना पसंद है. ठीक है, इसी तरह से आपको कंजंक्शंस को करना है. एंड पेज नंबर 67 पे फिल द करेक्ट पास्ट टेंस में भरना है आपको. द चाइल्ड डैश द बॉल ऑन द ग्राउंड. जो ब्रैकेट में थ्रो दे रखा है उसका पास्ट टेंस भरना है आपको. द चाइल्ड थ्रू द बॉल ऑन द ग्राउंड.